नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई नियरसर में। आज हम लोग खुशखबरी भरी न्यूज़ लाना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। 16,668 पदों पे यूपी गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया है। यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश पुलिस, फायरमैन, प्लाटून कमांडर, मिनिस्ट्रियल, कारागार बंदी रक्षक और आरक्षी घुड़सवार के साथ साथ दरोगा की वैकेंसी है जिसमें 16,668 पद शामिल हैं। जो डीजी हैं, भर्ती बोर्ड के डीजी जो हैं वो आर.के. विश्वकर्मा जी हैं। आर.के. विश्वकर्मा के अकॉर्डिंग ये तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि 16,668 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। आइए देखते हैं पूरा डिटेल में पेपर कटिंग क्या है। ये लखनऊ का पेपर कटिंग है और राज्य ब्यूरो लखनऊ, ठीक है। दमकल व कारागार विभाग में जल्द बम्पर भर्तियों की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड करीब 16,668 पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। दरोगा व समकक्ष पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती में करीब 3,000 पद भी बढ़ाए गए हैं। दरोगा में 3,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये 6,500 के करीब करीब वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अब ये 9,534 पद हो गया है। 9,534 ये वैकेंसी हो गई है दरोगा के लिए, ठीक है। तो 3,000 पद लगभग बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं भर्ती बोर्ड की परीक्षा के बारे में। तो भर्ती बोर्ड सोच रहा है कि दिसंबर व जनवरी माह में दरोगा समेत विभिन्न पदों पर जो ये 16,668 पद हैं इसकी परीक्षा दिसंबर व जनवरी में कंप्लीट करा ली जाए, ठीक है। और इसकी परीक्षा अगर दिसंबर और जनवरी में कंप्लीट करा ली जाती है तो मुख्य परीक्षा, दरोगा में मुख्य परीक्षा भी होती है, मुख्य परीक्षा आपको देने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा, यानी जल्द ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी में है। डीजी भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि दरोगा भर्ती पूर्व अधियाचना में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के करीब 3,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। पूर्व में दरोगा के 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब दरोगा के 9,534 पद भर्ती के लिए तैयार हैं, जिसमें पीएससी प्लाटून कमांडर के 484 पद, फायर स्टेशन ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पुलिस में एसआई, मिनिस्ट्रियल व स्टेनो के 1,329 पद प्रस्तावित हैं। कारागार सेवा में बंदी रक्षक के लिए 3,638 पद शामिल हैं और महिला बंदी रक्षक के लिए 626 पदों का अलग प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ बताया गया है फायरमैन के लिए 2,065 पद व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए 102 पद शामिल हैं। इस तरह से भर्ती बोर्ड ने जो अपना प्रस्ताव भेजा है वो ये तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि वो अपनी टेंडरिंग की प्रक्रिया आमंत्रित कर रहा है। इस समय टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। टेंडर जैसे ही फिट बैठता है, कोई कंपनी परीक्षा के लिए तैयार बैठती है और वो अपने पूरा दिशा निर्देशन में परीक्षा संपन्न कराने के लिए फिट बैठ जाती है, तुरंत जो आर.के. विश्वकर्मा जी हैं वो अपना फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और परीक्षा कराने के लिए वह एजेंसी बाध्य हो जाएगी। तो 2021 के दूसरे सप्ताह या फिर दिसंबर 2020 के लास्ट वीक में ये परीक्षाएं संचालित कराने की तैयारी है। अगर बात करते हैं कोई एजेंसी बैठती है फिट तो परीक्षाएं वो कितनी पालियों में करा सकती है, तो इसका भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। टोटल 29 पारियों में परीक्षाएँ कम्प्लीट होंगी। अब ये 16,668 पदों में टोटल दरोगा के 9,534 पद भी काउंट किए गए हैं। ध्यान रखना है वैकेंसी अलग अलग है लेकिन परीक्षाएं सबकी एक होनी है। दरोगा की अगर बात करते हैं तो दरोगा का आपको पता होगा सिलेबस क्या है, हिंदी, रीजनिंग के साथ साथ मैथ, और मैथ के साथ साथ आपसे यहाँ पूछा जाता है जीएस का पोर्शन। और जीएस में आपसे क्या क्या पूछ लिया जाता है, पॉलिटी स्पेशल रहती है, और पॉलिटी के साथ साथ आपको संविधान में बढ़िया नॉलेज हो तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सीईटी की, तो सीईटी अभी एसएससी जो सीईटी लागू हुआ है, सीईटी 2021 से लागू होगा, सबसे बड़ी बात ये है। और जो ये लागू हो रहा है अभी एसएससी, रेलवे, और रेलवे के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में अभी ये लागू हो रहा है। आगे बड़े पैमाने पे इसकी तैयारियां कंप्लीट होने के बाद पूरे देश में सीईटी लागू हो जाएगा और जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो इसी के थ्रू होने लगेंगी। इससे ये होगा कि समय बचेगा, साथ ही साथ पैसे में आय व्यय का फ़ायदा होगा। जैसे आप प्री परीक्षा देने जाते हैं कानपुर या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर या फिर इंडिया के किसी शहर में, तो आपसे घर से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर प्री सेंटर बनाया जाता है। देन आपको 2 से 2.5 महीने के बीच वेट करना होता है, देन उसका रिजल्ट आता है प्री का, फिर मेंस की डेट दी जाती है। 5-6 महीने बाद आपको पुनः मेंस की परीक्षा के लिए उतनी दूरी पुनः तय करना होता है। और उसके बाद मान लो आपने साल में 3 से 4 फॉर्म निकले और चारों के
प्रीमेंस दिए तो लगभग 8 से 10 बार आपको अप डाउन करना पड़ता है। लेकिन अगर सी ए टी लागू हो जाता है तो सी ए टी से बेनिफिट ये होगा कि प्री की परीक्षाएं समस्त एक बार काउंट हो जाएंगी, मेंस परीक्षा आपको फाइनली देने जाना पड़ेगा और सी ए टी जो वैलिड है वो टोटल 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ध्यान रखना है सी ए टी लागू होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और सी ए टी बेसिस क्या रहेगा, तो सी ए टी का जो बेस बनाया गया है तो सी ए टी में 10th, 10+2 और ग्रेजुएशन वालों को शामिल किया जा रहा है अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग योग्यताएँ होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर भी बनता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर सेट भी किया जाएगा। अगर कोई बंदा हाई स्कूल के लेवल पे सीईटी देना चाहता है तो उसका पेपर लो मीडियम में रहेगा यानी सरल होगा। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन लेवल में सीईटी की परीक्षा देना चाहता है तो उसका पेपर टफ होगा यानी हार्ड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी चैनल बहुत जल्दी विचार करता है और फाइनली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता है। किसी अदर टॉपिक पे वीडियो के साथ साथ अगर कोई क्वेरी है तो भी आप लिख सकते हैं, उस पर विचार होता है और जल्द ही रिप्लाई किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल तैयारी कराता है, उसके भी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।